नाम है डीनो जेम्स और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। हाय, मेरा नाम है डीएमसी और आप हमें देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। फिल्मी बीट वालों, आप देख रहे हो एक कागो, यू नो व्हाट टाइम इट इज। दिस इज ईपीआर एंड यू आर वाचिंग मी एट फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रंग सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ हैं एमटीवी हसल 03 रिप्रेजेंट के स्कॉट बॉसेस। आपका वेलकम है सभी का फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले तो जो दोनों सीजन्स रहे हैं काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, काफ़ी अलग तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली है। इस बार क्या कुछ होने वाला है, कितना डिफरेंट होने वाला है, डीनो आपसे पहले जाना चाहेंगे। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस आपको। या थैंक यू सो मच। जो भी आप लोगों ने देखा हो, जितना प्यार दिया आपने सीजन 2 को, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस सीज़न में सब कुछ धमाल होने वाला है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है, बहुत कड़क टैलेंट है। ये टाइम का थीम है रिप्रेजेंट, जो लास्ट टाइम नहीं था। सो आई थिंक जिस तरीके का म्यूज़िक आने वाला है बाहर, वो इस थीम के अराउंड बहुत रिवॉल्व होगा। आपने 02 देखा, अब 03 लेकर आ रहे हैं और बिलीव मी वो बेटर ही होगा और बड़ा ही होगा और इतना क्रेजी टैलेंट लेके आने वाले हैं और इन सबकी सहायता के साथ मज़ा आएगा। यस, हसल पोको एमटीवी हसल 03 इज़ गोना बी बिगर एंड बेटर, वॉच आउट। ओके, क्या कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है? बिकॉज हम पुराने सीजन्स की बात करें तो उसके जो कुछ कुछ गाने हैं, रैप्स हैं जो लोगों ने बनाए हैं, वो आज भी चलते हैं, रील्स में हम देखते हैं, काफ़ी फेमस है। तो इस बार क्या कुछ एलिमेंट्स है, क्या कुछ नया ऐड ऑन हुआ है? सबसे बड़ा ऐड ऑन, सबसे बड़े अपग्रेड, सबसे ज़्यादा जॉय, सबसे ज़्यादा खुशियाँ, टैलेंट, फॉर्मेट, सब कुछ अपग्रेड हो गया। लोग अपग्रेड हो गए, रैपर्स बहुत ज़्यादा शार्प हो गए, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है और एक का भाई है। हर सीज़न आई थिंक हम सब लोग सीख के और बेटर होते जा रहे हैं। सो ये टाइम का म्यूज़िक लेवल बहुत ही ऊपर होने वाला है क्वालिटी वाइज। मैं यही कहना चाहूँगा, नया टैलेंट देखने को मिलेगा आपको, नए बच्चे सुनने को मिलेंगे और इससे नया क्या हो सकता है, नया स्टेज देखने को मिलेगा, नए हम देखने को मिलेंगे 03 को। अभी मैड इस साल का थीम है रिप्रेजेंट। वी गोना सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ आवर कंट्री रिप्रेजेंट देयर स्टोरीज, देयर लाइफ एंड देयर वर्जन ऑफ हिप हॉप। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रैपर्स को लेकर हमेशा ऐसा कहा जाता है कि यू नो, अगर आपको रैपर बनना है सबसे पहले तो आपको आपके कपड़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपने स्टाइलिंग कैसे की, आप वॉक कैसे कर रहे हैं। सो क्या वाकई में चीज़ें हैं जो जिसपे जो नए हैं, बिगनर्स हैं जो रैप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनके लिए? नहीं, वो जो ध्यान दे रहा है वो एक्चुअली रैपर नहीं है, ये बहुत ऑटोमेटिक आता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, ये सब एक्चुअली आपके खून में होता है। जैसे किसी को पिंक कलर अच्छा लगता है, किसी को रेड अच्छा लगता है, तो जो रैपर रहता है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है। तो जो ध्यान दे रहा है मतलब वो है कि वो सबसे पहले उसको ये हिप हॉप नहीं करना चाहिए, तो आपको किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगा। जो भी हम कर रहे हैं ऑनेस्टली पहले हम खुद के लिए कर रहे हैं और फिर ही ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। हमने हिप हॉप शुरू किया था क्योंकि हमें करना था, किसी और के लिए नहीं। सो ड्रेस करना है नहीं करना, इट्स ऑन यू। एंड इट ऑनेस्टली हिप हॉप इज़ अबाउट फीलिंग योर सेल्फ। सो इफ यू feel good in a shirt and pant, that's good enough for you. यार, कपड़ों से कभी भी म्यूजिक का कोई रिलेशन नहीं है और कोई हिप हॉप का रिलेशन नहीं है। इट जस्ट दैट कि अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है तो ये पहन लेते हैं यार, और कूल लगता है बस, दैट्स ऑल सर। वेल, स्किनी फिगर है थोड़ा, बैगी टाइप, बैगी, सो दैट्स इट। आई मीन म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स जस्ट हिप हॉप्स गॉट इट्स ओन स्ट्रीट स्टाइल फैशन एंड आई थिंक वी रिप्रेजेंट दैट। For sure, like hip hop as a fashion in itself is a globally trend-setting thing. So yeah. पर हाँ, ये जरूरी नहीं है कि hip hop करना है तो ऐसा कपड़ा पहनना जरूरी है, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि बच्चों के पास यार मैं तो ये कपड़े ले नहीं सकता, मैं तो हिप हॉप मतलब रैपर बन नहीं सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रैप कर सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, यू आर अ रैपर। 100% इंडियन एलिमेंट्स उसमें भी फ्यूज कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आप चार जजेस हैं तो सबकी एक टीम होती है, हमने जैसे सीजन्स में देखा है, आपकी टीम में क्या स्पेशल हमें देखने को मिला? स्पेशल कलर है बहुत, मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता जो आप लोग देखोगे, लेकिन बहुत डिफरेंट टीम है। लास्ट टाइम बहुत अलग थी जो बहुत प्यारी थी, इस बार बहुत धमाकेदार लोग आए, बहुत अच्छे आए, बहुत डिफरेंट कलर है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक हम सबके टीम में हर एक टाइप का रैपर है, इन अ वे कोई भी एक कंटेस्टेंट कोई भी दूसरे कंटेस्टेंट के जैसा नहीं है, सो वैरायटी बहुत है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई स्क्वाड के जितने भी मेम्बर हैं और सब बच्चे जितने भी बाकी स्क्वाड लीडर्स के पास हैं, बहुत अमेजिंग टैलेंट है यार, और बिलीव मी अच्छा ही करेंगे और मैसिव करेंगे। हसल इज गोना बी क्रेजी, ऑल ऑफ अस हैव
amazing people in our squads, and it's going to be unpredictable. Just watch it. वेल डेफिनेटली ये सीज़न भी लोग देखेंगे और बहुत ही हिट जाने वाला है. लेकिन दिनों आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपके खतरों की जर्नी के बारे में कि कैसी जर्नी थी और अभी कैसा कैसी फीलिंग है. बिकॉज डे वन से आपको रोहित सर ने भी कह दिया था कि आप ही विनर बनने वाले हैं. नहीं मैं मेरी कोई अभी तो हसल है तो ये जर्नी शुरू है तो वहाँ तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबका एंड मतलब आई एंजॉयड इट एंड गॉड इज़ बीन काइंड. थैंक यू सो मच. आप लोग देखिए हसल को, सब कुछ 100% रियल है. लास्ट टाइम आपको जो मज़ा आया था गारंटी इनटू 5. 21st October 7 o'clock ऑन MTV एंड जियो सिनेमा. मेक श्योर टू कैच इट. पोको MTV हसल 03 रिप्रेजेंट. जल्दी आने वाला. इंडिया अब तुम्हारी बारी. कीप वॉचिंग. हाय एवरीवन. और आप हमें देख रहे हैं फिल्मी बीट पर.